ये जो गणित है दरअसल SBI लाइफ इंश्योरेंस वो स्टॉक है जो मैं चुन रहा हूं, और इसके पीछे का जो गणित है साफ तौर पे वो ये है कि अभी भी अगर हमारे देश में आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखेंगे तो वो ग्लोबल एवरेज से करीबन आधा है। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें, क्योंकि इमर्जिंग कंट्रीज जो है, हमारे जैसे जो इकोनॉमीज हैं वहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे और डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करेंगे, आप यूरोप और अमेरिका से, तो कई गुना का फर्क अभी बाकी है। हर एक आदमी को लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत होगी। अगर उसके पास कोई भी एसेट है, कोई भी ऐसी चीज है जो उसके उसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, या कोई लोन है जो वो अपने परिवार को, अगर कभी गलती से उन्हें कुछ हो गया और वो पूरी लायबिलिटी छोड़ के चले गए तो क्या होगा। तो देखिए, हाल के कोविड फेज में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस काफी बिका क्योंकि लोगों को ये डर लगा कि अगर बीमार हो गए हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा, उसी तरह से जिन लोगों के पास भी होम लोन है, बड़ी लायबिलिटीज हैं, वो अब दौड़ करके लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। कम से कम उतना अमाउंट तो जरूर ले रहे हैं ताकि उनको एक सपोर्ट रहे कि उनकी लायबिलिटी उनके फैमिली पर ना आए, फैमिली को एसेट्स ही मिले। तो यही वजह है कि जून में जब से बाजार खुला है, अप्रैल में तो खराब थे, लेकिन आप कंपनी का अपडेट देखिए, जून में जैसे ही एक्टिविटी शुरू हुई है तो करीब करीब 14-15% का जंप इन्होंने आते हुए देखा है प्रीमियम में। और वो जो मार्केट है टर्म इंश्योरेंस का खास तौर पे, वहां पे कंपनी का पेनिट्रेशन भी, मार्केट शेयर भी बढ़ के करीब 12.5% पे आया है 11.5% के मुकाबले। तो प्योर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, तो ये गणित पूरी तरह से आपके फेवर में है क्योंकि हमारे देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है, देश की आबादी बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी उसके साथ साथ बढ़ रही है। तो आने वाले कई सालों तक, अभी आप जैसे क्यूब रूट निकाल रहे थे, अब आप यहां से इसको स्क्वायर कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और ये देखिए कि अगर इस दर से आपको डबल डिजिट की ग्रोथ लगातार साल दर साल मिलती है तो आज से 10 साल बाद इनका कारोबार कहां होगा, आज से 20 साल बाद इनका कारोबार कहां होगा। अगर शकुंतला देवी होती तो अभी कैलकुलेट करके आपको बता देती कि 11% की रफ्तार से बढ़ते हैं तो कितना होता है, 12% से बढ़ते हैं तो कितना होता है। हमें तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टॉक का मैथमेटिक्स पूरी तरह से आपके फेवर में है। और SBI का बड़ा ब्रांच नेटवर्क है, उससे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म तो किसी कंपनी के पास है ही नहीं, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्यों इनका मार्केट शेयर तगड़ा है और क्यों बढ़ता जा रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस एक और ऐसा स्टॉक जो लंबी अवधि में गजब के रिटर्न्स दे सकता है, जो सेक्टर में अंडर पेनिट्रेशन है और जिस तरह का दबदबा अभी धीरे धीरे उस सेक्टर में बना रही है, ये कंपनी आगे अच्छा आउटलुक, अच्छी ट्रेजेक्ट्री देती हुई नजर आएगी। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहाँ पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन